आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय के अंदर हम पिछले दो वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख चुके हैं। उसके चार सवाल हमने कर लिए अभी तक। अब यहाँ पे पांचवा सवाल हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चार सवाल हम पहले देख चुके हैं, अब ये पांचवा सवाल है। 510 और 92, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सवाल है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 1.2 का जो दूसरा प्रश्न है उसका दूसरा सवाल है, दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल। तो अब हम इसे हल करते हैं। 510 और 92, इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले तो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 510 में कितने से भाग लग सकता है? 2 से लग सकता है। तो 2 दुनी 4, लेकिन है यहाँ पे 5, मतलब 1 बचेगा। तो 1 और 1 मिला के बन गया 11। तो हम 2 पंजे 10 और 1 फिर से बच जाएगा क्योंकि 11 है यहाँ पे। तो 1 और ये 0 मिला के बन गया 10। तो 2 पंजे 10। अब इसके बाद भाग लगेगा 3 से इसमें। तो 3 और 8 24, लेकिन यहाँ पे है 25, मतलब 1 बचेगा। तो 1 और 5 मिला के बन गया 15। तो 3 पंजे 15। उसके बाद अब इसमें भाग लगेगा 5 से। तो 5 एकम 5 कितना बचेगा? 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो 3 और 5 मिला के बन गया 35। तो 5 और 7 35। इसके बाद भाग लगेगा 17 से, 17 एकम 17। अब इसी प्रकार हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 में कितने से भाग लग सकता है? 2 से लग सकता है। तो 2 चौक 8, लेकिन है यहाँ पे 9, मतलब 1 बचेगा। वो 1 और ये 2 मिला के बन गया 12। तो 2 छंग 12। फिर 2 से भाग लग सकता है इसमें। 2 दुनी 4 और 2 तिया 6। उसके बाद अब इसमें भाग लग सकता है सीधा 23 से ही। 23 के पहले किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 23 एकम 23। अब ये जो 510 और 92 के जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या संख्याएं आई? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। सभी संख्याएं एक एक बार है इसलिए इनको घातों के रूप में लिखने की तो जरूरत है नहीं। अब 92 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 23 आया। इसमें यदि हम देखें तो 2 2 बार आया है, मतलब 1 से अधिक बार है ये। जब भी कोई संख्या 1 से अधिक बार होती है तो उसे हम घातों के रूप में लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे 2 2 बार आया है तो 2 को हम 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे क्योंकि 2 बार आया है तो 2 घात, 3 बार आया होता तो 3 घात, और गुणे में है 23। तो इस तरीके से ये 92 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 510 और 92 का एचसीएफ। एचसीएफ में वो संख्या ली जाती है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आई हो। तो यहाँ पे 2 ऐसी संख्या है जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है। 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है और 92 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। तो हम 2 को लिखेंगे, पर साथ में हमें घातों को भी ध्यान में रखना है कि एचसीएफ ज्ञात करते समय हमें उस संख्या की
छोटी घात लेनी है, यानी जो दोनों में आया था उसकी छोटी घात को हम एचसीएफ में लेते हैं। तो यहाँ पे कोई घात नहीं है मतलब एक, और इस दो पे दो घात है, तो कौन सी घात छोटी हुई, ये दो की घात एक वाला यानी दो। तो ये तो आ गया हमारा एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम में हमें सारे अंकों को लेना है, सभी अंक जो इसमें भी आए हैं और जो इसमें भी आए हैं, सारे ही अंक चाहे दोनों में न हो तो भी हमें सारे अंकों को लेना है। लेकिन जो अंक दोनों में आया होगा उसकी हम सिर्फ बड़ी वाली घात लेंगे। तो जैसे दो दोनों में आया है तो हम कौन सी वाली घात लेंगे इस बार एलसीएम में, बड़ी वाली घात। और बाकी जो अंक दोनों में नहीं आए हैं उन्हें भी हमें लिखना है, यानी 3 × 5 × 17 × 23, ये 3, 5, 17 और ये 23, ये भी हमने लिख लिए। अब 2 की घात 2 का मतलब 4, और गुणे में है हमारे पास 3 × 5 × 17 × 23। अब जब हम इन सारी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो आता है 23,460, ये है इसका एलसीएम। तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया हमारे पास 23,460। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है छठा, इसमें संख्या है 336 और 54। इन दोनों संख्याओं का अब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सवाल है ये आपको एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल है ये। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो 336 इसके अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले तो 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ है 3, मतलब 1 बचेगा, वो 1 और ये 3 मिला के बन गया 13, तो 2 × 6 = 12, लेकिन था यहाँ 13, मतलब फिर से 1 बचा, तो 1 और 6 मिला के बन गया 16, तो 2 × 8 = 16। अब फिर से 2 से भाग लग सकता है, 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 × 6 = 8 और 2 × 2 = 4, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 × 2 = 4 और 2 एकम 2, अब भाग लगेगा 3 से, 3 × 7 = 21 और फिर लगेगा 7 से, 7 एकम 7। इसी प्रकार अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड यदि निकालें तो 54 में भी 2 से भाग लग सकता है, 2 × 2 = 4, लेकिन यहाँ है 5, मतलब 1 बचा, वो 1 और ये 4 मिला के बन गया 14, तो 2 × 7 = 14। अब 3 से भाग लगेगा इसमें, 3 × 9 = 27, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 × 3 = 9 और फिर 3 से भाग लगेगा, 3 × 3 = 3। तो इस प्रकार से 336 के अभाज्य गुणनखंड यदि हम देखें तो 336 के अभाज्य गुणनखंड में 4 × 2 आया है, 1, 2, 3 और 4, और 1 × 3 और 1 × 7 आया है, तो इन सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 कितनी बार है, 4 बार है। जब भी कोई संख्या 1 से अधिक बार होती है तो उसे हम घातों के रूप में लिखते हैं, यानी यहाँ पे 2 चार बार है तो 2 के ऊपर हम 4 घात लगा देंगे और बाकी ये 3 × 7 ऐसा ही लिख देंगे। तो ये आए हमारे 336 के अभाज्य गुणनखंड। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड यदि लिखें तो 54 के अभाज्य गुणनखंड में 1 बार तो 2 आया है और 3 बार 3 आया है, तो 2 को तो हम ऐसे लिख देंगे, और 3 बार है तो हम 3 के ऊपर 3 घात लगा देंगे, ये 54 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम 336 और 54 का एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, जो संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आई हो
उसकी छोटी घात हमें लेनी है। तो यहां अगर हम देखें तो दो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है और तीन भी दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आया है, पर उसमें हमें छोटी घातों को लेना है। तो दो की छोटी घात हमें किसमें नजर आ रही है, यहां दो की घात चार है जबकि इसमें दो के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब एक। तो ये दो की घात एक वाला छोटा हुआ। फिर तीन में यदि हम देखें तो यहाँ सिर्फ तीन है और इसमें तीन की घात तीन है, मतलब सिर्फ तीन वाला ये छोटी घात का हुआ। तो अब हम यदि इनका गुणा कर ले तो तीन दुना छः, ये आया हमारे पास एचसीएफ। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम, तो 336 और 54 का एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सारे ही अंकों को लेना है जो दोनों में आए हैं वो सारे अंक, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में आया है उसकी सिर्फ बड़ी घात को हम लेंगे, बाकी जो एक में आया है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये दो दोनों में आया था तो इस बार हमें दो की बड़ी वाली घात लेनी है, यानी चार घात लेंगे, ये वाली और इस वाली में से दो की घात चार को ली। और अब तीन भी दोनों में आया था तो इसमें भी अब हमको बड़ी घात लेनी है, मतलब तीन की घात तीन को हम लेंगे। और अब बचा सात, तो इस सात को हम ऐसे लिख देंगे। अब दो की घात चार का मतलब क्या हुआ, दो को चार बार लिखे तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा, दो दुनी चार, चार दुनी आठ और आठ दुनी सोलह, तो दो की घात चार का मतलब हुआ सोलह। और तीन की घात तीन मतलब तीन को तीन बार लिखे तो गुणा करने पे तीन तिया नौ और नौ तिया सत्ताईस, और फिर गुणे में ये सात ऐसे ही लिख देंगे हम। अब 16, 27 और 7 इनका जब आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा 3024, ये है इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 3024। तो ये हमने पांचवा और छठा सवाल देखा। अब इसी के और भी सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।